एक दूसरा लेबल है सिर को ढाकना। सिर को ढाकने में इख्तिलाफ है, कोई नहीं कहता फर्ज है, कोई एक भी आलिम नहीं कहता कि सिर को ढाकना फर्ज है। इसमें इख्तिलाफ है, क्या ये मुस्ताब है, सुन्नत है? अक्सर उलमा कहते ये सुन्नत है, कुछ कहते मुबाह है। मुबाह मतलब ऑप्शनल, ना आपको सवाब मिलेगा, ना कोई फायदा होगा, ना गुना मिलेगा, ऑप्शनल। करने का करो, नहीं करने का मत करो। लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं सिर को ढाकना सुन्नत है। शेख नासिरुद्दीन अल्बानी भी कहते हैं कि सिर को ढाकना सुन्नत है। अगर आप पढ़ेंगे हदीस में लिखा है, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 16 हदीस नंबर 6, 9, 8, इसमें लिखा है कि इब्न अब्बास फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के बाहर निकले तो उनके सिर के ऊपर एक काली पगड़ी थी। एक दूसरी हदीस है अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर पे एक कपड़ा बांधा। कई हदीस है, और एक हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 में किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 17 हदीस नंबर 699, इसमें अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते के फतेह मक्का के साल में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उनके सिर के ऊपर हेलमेट था। ऐसी कई हदीस है, और शेख नासिरुद्दीन अल्बानी के मुताबिक एक भी हदीस नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें जिक्र आता है कि वो घर के बाहर निकले और सिर ढका नहीं था, एक्सेप्ट फॉर जब वो एहराम की हालत में थे। तो इसलिए अक्सर उलमा कहते हैं कि सिर को ढकना सुन्नत है, कुछ उलमा कहते हैं मुबाह है, लेकिन अक्सर कहते हैं सुन्नत है। यहां हमारे जो सिर को ढकने का अक्सर तरीका आम जो मुसलमानों में जो हिंदुस्तान में, वही टोपी। तो एक लेवल हो गया दाढ़ी, दूसरा हो गया टोपी। ये टोपी जो मैं पहन रहा हूं वो सस्ती है, 30 रुपए की है, 30 रुपए की। थोड़ी अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 50 रुपए की, और अच्छी लेंगे तो 75 रुपए की। ये टोपी मामूली टोपी है, एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हम इससे लोगों को डर क्या, और पहनने में मुश्किल क्या, ना महंगी है। अब कुछ टोपी महंगी होती, 200 रुपये, 1000 रुपये, कुछ लोग माशाल्लाह अच्छी अच्छी टोपी पहने। मैं सस्ती टोपी पहनता हूं 30 रुपये की, लेकिन सिर को ढाको। अगर आप नौकरी करने जा रहे, आपका बॉस आपका मालिक अगर कहा मैं टोपी मत पहनो, ठीक है भाई टोपी को घिसे में डालो, लेकिन जब नौकरी से बाहर निकले उस टाइम तो पहनो। वो थोड़ी बॉस आपको तनख्वाह दे रहा है तो उस टाइम तो पहनो। मुसलमान अक्सर क्या करते, जब मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने के लिए टोपी पहनते, मस्जिद के बाहर निकलते टोपी अंदर डालते। क्यों? नमाज के लिए पहनते अच्छी बात है, टोपी पहनते अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम नमाज के टाइम पे तो सिर को ढाक रहे, लेकिन नमाज के बाहर निकले तो टोपी खिसे में। नमाज के वो टोपी पहनना अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम नमाज के टाइम पे तो हम अपना सिर ढाके, अच्छी बात है। लेकिन जब नमाज के बाहर निकलते टोपी क्यों निकालते? कहीं लिखा है कि टोपी निकालो? तो हमेशा पहनो ना, नमाज में जब पहन रहे तो बाहर भी पहनो ना। अल्लाह हो, अल्लाह हो।